नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। और आज है 10 अक्टूबर 2019, तो आज हम चर्चा करेंगे 10 अक्टूबर का करंट अफेयर्स। इससे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कल वाले वीडियो में हमने आपसे पूछा था उसका आंसर क्या होगा। तो वह क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या था। तो वह क्वेश्चन था दोस्तों, 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं। तो 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय बन गई हैं, उनका नाम है हरमनप्रीत कौर। तो हरमनप्रीत कौर इसका दोस्तों राइट आंसर हो गया, और ये 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय बन गई है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। इसी प्रकार आज के वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें, तथा नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों के साथ अधिक से शेयर जरूर कर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल कलाम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का निशान है, उस घंटे के निशान को भी आप जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। तो इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम ग्रुप से आप हमारे से जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको सुबह 8 से 9 बजे के मध्य इस वीडियो की PDF फाइल आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है दोस्तों, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2019 किन्हें देने का ऐलान हुआ है, किन्हें दिया जाएगा। तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन में दोस्तों 2019 का जो नोबेल पुरस्कार है वह दिया जाएगा, किन्हें दिया जाएगा, उपरोक्त सभी को। तो इन तीनों को दिया जाएगा, तो इनके नाम क्या हैं, विलियम जी केलिन, सर पीटर जे रेडक्लिफ और ग्रिग एल सेमेंजा। तो इन तीनों को मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2019 से दिया जाएगा। तो ये था दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में। अब इसके बारे में विस्तृत जानकारी देख लेते हैं कि इन्हें पुरस्कार क्यों दिया जाएगा। तो ये तीनों साइंटिस्ट जिन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा, तीनों आपको फोटो में देख पा रहे हैं, इनके नीचे इनके नाम भी लिखे हुए हैं, या PDF फाइल में आराम से पढ़ लेना। अब मैं इसके बारे में जानकारी बता देता हूँ। तो दोस्तों देखते हैं, नोबेल असेंबली ने कारोलिंस का इंस्टीट्यूट में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2019 देने का ऐलान किया है। यह पुरस्कार संयुक्त रूप से विलियम जी केलिन, सर पीटर जे रेडक्लिफ और ग्रिग एल सेमेंजा को दिया जाएगा। दोस्तों, सेल और ऑक्सीजन उपलब्धता के विषय पर यह पुरस्कार 3 डॉक्टरों की संयुक्त टीम को दिया जाएगा। इसमें देखें तो वर्तमान में पुरस्कार समितियाँ नोबेल पुरस्कार 2019 विजेताओं और अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अन्य क्षेत्रों में जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति पुरस्कार और आर्थिक विज्ञान में सेवरिंग्स रिक्स बैंक पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं का चयन करने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है। दोस्तों, 8 से 14 अक्टूबर 2019 के बीच कार्यक्रम के अनुसार उपरोक्त पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की जाएगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के लिए बना पहला राफेल फाइटर जेट RB-001 किस देश में बना है। तो ये दोस्तों फ्रांस में बना है, तो फ्रांस इसका राइट आंसर हो गया। ये जो राफेल विमान की डील है ये बहुत ही विवादों में भी रही है, इस कारण आपको इसको विशेष ध्यान रखना है, इसी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बारे में देखते हैं, ये फोटो में आपको राफेल विमान देखा जा सकता है। तो इसके बारे में देखें तो दोस्तों, फ्रांस ने भारत को भारतीय वायुसेना के लिए बना पहला राफेल फाइटर जेट RB-001 सौंप दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस में डसाल्ट एविएशन की प्रोडक्शन यूनिट में एक राफेल फाइटर जेट विमान प्राप्त किया है। दोस्तों, हालांकि जेट का जो पहला बैच है वह मई 2020 में भारत आएगा, वहीं रक्षा मंत्री ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष फ्लोरेंस पार्ले के साथ वार्षिक रक्षा की वार्ता भी की है। दोस्तों, एयरक्राफ्ट डेजिग्नेशन में RB का अर्थ है इंडियन एयरफोर्स के मुख्य एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया है, जो भारतीय वायुसेना के तत्कालिक डिप्टी चीफ थे। इन्होंने भारतीय वार्ता टीम का नेतृत्व किया है और अनुबंध वार्ता में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों नोबेल पुरस्कार से संबंधित है, और ये इस बारे की फिजिक्स में यानी भौतिक विज्ञान का 2019 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा, किसे देने की घोषणा की गई है। उनका नाम है दोस्तों जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर, डीडीआर कवेलोज, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो गया। तो ये तीनों लोगों को संयुक्त रूप से फिजिक्स भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा।
तीनों की फोटो आपको इसमें देख पा रहे हैं। तो इन्हें किस लिए दिया जाएगा ये देखते हैं। तो दोस्तों जेम्स पीबल्स को भौतिक ब्रह्मांड जो विज्ञान है उसमें सैद्धांतिक खोज के लिए सम्मानित किया गया है। मिशेल मेयर और डीडीएर क्वेलोज को संयुक्त रूप से एक सौर प्रकार के तारे की परिक्रमा करने वाले एक्सोप्लेनेट की खोज के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बारे में दोस्तों और जानकारी देखें तो वर्तमान में जो पुरस्कार समितियां नोबेल पुरस्कार 2019 विजेताओं और अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अन्य क्षेत्रों जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, साहित्य शांति पुरस्कार, आर्थिक विज्ञान के सेवरिंग्स रिक्स बैंक्स पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं का चयन करने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है और 8 से 14 अक्टूबर 2019 के बीच कार्यक्रम के अनुसार उपरोक्त पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की जाएगी। ये जानकारी दोस्तों मैंने आपको ऊपर जो नोबेल पुरस्कार का प्रश्न था उसी में भी बता दी है और यहाँ पर आपको फिर एक बार रिपीट कर दिया जिससे आप उसे भूलें नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया गया है, विश्व डाक दिवस मनाया गया है। तो ये दोस्तों कब मनाया गया है? तो ये कल ही 9 अक्टूबर को मनाया गया है। तो 9 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो गया। अब विश्व डाक दिवस के बारे में जानते हैं। तो फोटो में आपको 9 अक्टूबर वर्ल्ड पोस्ट डे आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके बारे में चर्चा करें तो संयुक्त राष्ट्र हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाता है। दोस्तों इसका उद्देश्य लोगों और व्यवसायों के रोजमर्रा के जीवन में जो डाक की भूमिका है उसको बढ़ाना है, साथ ही वैश्विक सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए इसके योगदान के लिए जागरूकता लाना है। कई देशों में नए डाक उत्पादों और सेवाओं को लॉन्च करने या बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। दोस्तों इस दिन 1874 में बर्न के स्विस कैपिटल में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी और 1973 में टोक्यो जापान में आयोजित यूपीयू कांग्रेस द्वारा इस विश्व डाक दिवस घोषित किया गया था या इसे विश्व वर्ल्ड पोस्ट डे घोषित किया गया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो क्वेश्चन है वह है दोस्तों जर्मनी के स्टटगार्ड में 15वीं विश्व जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो जर्मनी में आयोजित जो स्टटगार्ड की 15वीं वर्ल्ड जिम्नास्टिक चैंपियनशिप है उसका खिताब सिमोन बाइल्स ने जीता है। तो सिमोन बाइल्स है इसका राइट आंसर हो गया। तो ये फोटो में आप सिमोन बाइल्स आप देख पा रहे हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों सिमोन बाइल्स ने जर्मनी के स्टटगार्ड में 15वीं विश्व जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का खिताब जीता है। जीत के साथ वह इस कार्यक्रम में सबसे अधिक पदक जीतने वाली महिला बन गई हैं। दोस्तों सिमोन बाइल्स ने विश्व जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में 21वां पदक जीतकर संयुक्त राज्य अमेरिका की महिला टीम का ऑलराउंड का खिताब कायम किया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पुर्तगाल से है। तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पुर्तगाल में दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री के चुनाव हुए थे, तो वहाँ पर जो वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनिया कोस्टा थे वह फिर से दोबारा एक बार प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटोनिया कोस्टा। तो फोटो में आपको एंटोनिया कोस्टा जी दिखाई दे रहे हैं जो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री दोबारा बने हैं। इनके बारे में देखें तो आम चुनाव जीतने के बाद एंटोनिया कोस्टा को पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है। दोस्तों समाजवादी नेता और अवलंबी प्रधानमंत्री कोस्टा ने चुनाव में सबसे अधिक वोट हासिल किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अगले 4 साल तक उनकी सरकारें रहेगी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो वैश्विक जो प्रतिस्पर्धा सूचकांक है या बोले तो ग्लोबल कंपिटिटिव इंडेक्स है उसमें भारत का जो स्थान रहा है वह दोस्तों 68वां स्थान रहा है। तो 68वां इसका राइट आंसर हो गया। इसके बारे में देखते हैं तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इसमें दोस्तों इसके बारे में देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक रिपोर्ट जारी की है। तो ये पूछ लिया जाए कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक की रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो दोस्तों उसमें आपको लिखना है विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये रिपोर्ट जारी करता है। दोस्तों देशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए कुल मिलाकर 12 क्षेत्रों में 103 संकेतक वितरित किए गए थे। वहीं दोस्तों WEF की जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 10 स्थान पिछलकर 68वें स्थान पर आ गया है और सिंगापुर है वह शीर्ष स्थान पर रहा है यानी पहले स्थान पर रहा है। दोस्तों इस साल ब्रिक्स देशों में ब्राजील भी 71वें स्थान पर भारत के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वहीं WEF ने कहा है कि दोस्तों वृद्ध जो आर्थिक स्थिरता है और बाजारों के आकार के मामले में भारत की रैंकिंग अच्छी है,
लेकिन वित्तीय क्षेत्र में भी स्थिर है, लेकिन चूक की दर अधिक होने से बैंकिंग प्रणाली प्रभावित हुई है। अगला जो क्वेश्चन है वह देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस म्यूचुअल फंड ने का नाम बदलकर निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड कर दिया गया है? दोस्तों रिलायंस जो म्यूचुअल फंड है उसका नाम बदलकर निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड कर दिया गया है। ये क्यों कर दिया गया है इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो ये फोटो में दोस्तों आपको निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का लोगो और उसका नाम दिखाई देख पा रहे हैं, और इसका जो विशेष सब्जेक्ट है वह वेल्थ सेट्स योर यू फ्री आप देख पा रहे हैं। अब इसके बारे में देखेंगे कि इसका नाम क्यों बदला गया है। तो दोस्तों रिलायंस जो म्यूचुअल फंड है उसका नाम बदलकर निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड कर दिया गया है। तो निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस द्वारा रिलायंस जो निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट में 75% हिस्सेदारी खरीदने के बाद में संगठन का दोस्तों नाम बदल दिया गया है। तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड भारत में सबसे बड़ी विदेशी स्वामित्व वाली एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन गई है। दोस्तों संदीप जो सिक्का है वह CEO के रूप में इस कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये पूछ लिया जाए कि जो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड कंपनी है उसके CEO कौन है? तो उसके CEO दोस्तों सुदीप सिक्का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फिर नोबेल पुरस्कार से है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, केमिस्ट्री में यानी रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2019 का खिताब किसे देने का फैसला किया गया है? तो दोस्तों ये खिताब जो है ये जॉन बी गुडेनफ, एम स्टेनली विटिंगम और अकीरा योशिना इन तीनों को संयुक्त रूप से देने का ऐलान किया गया है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो गया। तो इन तीनों को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। इनके बारे में देखते हैं। तो ये फोटो में आपको दोस्तों तीनों देख पा रहे हैं, इनके नीचे इनके नाम भी लिखे हुए हैं। अब इस क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। तो रॉयल जो स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंस ने केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2019 देने का फैसला किया है। दोस्तों ये पुरस्कार जॉन बी गुडेनफ, एम स्टेनली विंटिंगम और अकीरा योशिना को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए दिया गया है। दोस्तों यह हल्की रिचार्जेबल शक्तिशाली बैटरी अब मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप और इलेक्ट्रिक वाहनों तक हर जगह में उपयोग में की जाती है। दोस्तों वर्तमान में जो पुरस्कार समितियाँ हैं उसके बारे में हमने आपको पूरा ऊपर बता दिया है, एक बार फिर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वीडियो को प्यूज करके आप इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं, मैंने दो बार इसको रिपीट करवा दिया है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वह देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने किस मंत्रालय के सहयोग से मुख्य स्वास्थ्य जागरूकता का पहला वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन ई दंत सेवा का लॉन्च किया है? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ यानी जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके साथ मिलकर इद्यंता का मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट लॉन्च की है। तो लॉन्चिंग के दौरान आपको ये फोटो देख पा रहे हैं। अब इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों डिजिटल प्लेटफॉर्म में राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम और सभी दंत चिकित्सा सुविधाओं और कॉलेजों सूचना शिक्षा और संचार सामग्री की विस्तृत सूची शामिल है। इसकी विशेषता दोस्तों यह भी है कि जिसे सिम्पेटोन चेकर कहा जाता है, यह वेबसाइट लोगों को आसान पहुंच के लिए GPRS मार्ग और सुविधा के लिए सैटेलाइट इमेज भी प्रदान करती है। दोस्तों नेत्रहीनों के लिए मुख्य स्वास्थ्य शिक्षा पर एक ब्रेल पुस्तिका वॉइस ओवर का विकल्प भी जारी किया गया है। तो यह था दोस्तों हमारा आज का करंट अफेयर्स। अब एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। इसी से क्वेश्चन दोस्तों आप सभी को आता होगा, तो कितने लोग कमेंट करते हैं मैं देखता हूँ। क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? तो भारतीय वायुसेना दिवस है ऑप्शन है 2 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 30 सितंबर। तो इन चारों में से जो भी राइट आंसर होगा वह राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल कलाम स्टडी को नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का साइन है उस घंटे के साइन को भी आप जरूर दबा दें जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।